हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? देखो, स्टैंडर्ड फर्स्ट, आज से हम रिवीजन शुरू करेंगे। हमारी एग्ज़ाम शुरू होती है 22 मार्च से, इसीलिए उसका रिवीजन भी करना पड़ेगा। आज हम इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन करने वाले हैं। देखो, आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक भी बाहर रखनी है और यहाँ पर देखना है, ओके? देखो, हम इंग्लिश ग्रामर, उसमें पेपर स्टाइल में क्वेश्चन वन का ए क्या होता, क्या होगा? देखो, चूज द करेक्ट डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट एंड राइट देम बिलो ईच पिक्चर। यानी उसमें आपको पिक्चर भी दिए हुए होंगे और नीचे उसका लिस्ट यानी ब्रैकेट भी दिया होगा। आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करना है और जो वाला आंसर सही आता है वो आपको लिखना है। देखो, आपको आपकी बुक में से पिक्चर्स देखने हैं। हम यहाँ पर उसके स्पेलिंग वो सब कुछ लर्न करेंगे। देखो तो, फर्स्ट वाला पिक्चर किसका है? देखो तो, रन किसका पिक्चर है? रन, आर यू एन, रन यानी दौड़ना। फिर सेकंड वाला पिक्चर देखो तो, आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक में ये वाला पिक्चर किसका है? सेकंड वाला पिक्चर, जंप, जे यू एम पी, जंप यानी कूदना। फिर थर्ड वाला पिक्चर किसका है? क्लाइम, किसका पिक्चर है? क्लाइम, सी एल आई एम बी, क्लाइम यानी ऊपर चढ़ना। फिर फोर्थ वाला पिक्चर देखो तो, ये वाला पिक्चर किसका है? सिंग, किसका पिक्चर है? सिंग, एस आई एन जी, सिंग यानी गाना। आपको एग्जाम में जो दिया होगा वो आपको आइडेंटिफाई करके ऐसे यहाँ पर जैसे कि ब्रैकेट है उसमें से आपको ढूंढ कर लिखना है। फिर फिफ्थ वाला पिक्चर किसका पिक्चर है? फिफ्थ वाला देखो तो, स्विम, किसका पिक्चर है ये वाला? स्विम, पानी में तैर रहा है ना बच्चा, यस, एस डब्ल्यू आई एन, स्विम। फिर सिक्स वाला किसका है? स्किप, किसका है? एस के आई पी, स्किप यानी स्कीपिंग करना, स्कीप यानी दौड़ा कूदना, क्या होता है? दौड़ा कूदना। फिर सेवन किसका पिक्चर है? डांस, डी ए एन सी ई, डांस यानी नाचना। फिर नंबर एट में किसका पिक्चर है? देखो तो, स्केटिंग कर रहा है ना बच्चा, यस, एस के ए टी ई, स्केट, स्केटिंग करना। नंबर नाइन लास्ट, ये वाला पिक्चर किसका है? पेंटिंग की पिक्चर है, राइट, पेंट कर रहा है। देखो तो, पी ए आई एन टी, पेंट, पेंट यानी पेंटिंग करना, कलर्स। फिर यहाँ पर क्वेश्चन ए फिनिश हुआ। फिर क्वेश्चन वन का ए हमने कंप्लीट किया, अभी क्वेश्चन वन का बी वो क्या होगा? देखो तो, आपकी ग्रामर की बुक में नंबर 31 और 32, पेज नंबर 31 एंड 32, उसमें ऑपोजिट्स वर्ड है, वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं बच्चों। आपको आता होगा तो ही आप आंसर लिख सकोगे। देखो उसमें क्या लिखा है, चूज द ऑपोजिट फॉर ईच पिक्चर फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। यानी एग्जाम में आपको उसके ऑपोजिट जो वर्ड होंगे उसके पिक्चर भी दिए होंगे और नीचे ब्लैंक होगी। जैसे कि यहाँ पे बिग लिखा है, राइट, बिग लिखा है, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है वो आपको लिखना है। वैसे तो हम एक बार ये सब ऑपोजिट वर्ड देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट वाला बिग, बिग यानी बड़ा, उसका ऑपोजिट क्या होता है? स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा। नंबर टू, फुल, फुल यानी पूरा भरा हुआ है वो, और उसका ऑपोजिट है एम्प्टी, एम्प्टी यानी खाली।
नंबर थ्री क्या लिखा है? ओल्ड, ओल्ड यानी बहुत ही गढ़ा घड़ा वृद्ध हो गया होगा होता है ऐसा, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है? यंग, यंग यानी जुवान। फिर नंबर फोर टोल, क्या लिखा है? टोल, टोल यानी ऊंचा, उसका ऑपोजिट होता है शॉर्ट, शॉर्ट यानी नीचा। नंबर फाइव हैप्पी, हैप्पी यानी बहुत ही खुश हो ऐसा, और उसका ऑपोजिट होगा सैड, सैड यानी दुखी। फिर नंबर सिक्स राइट, राइट यानी जो सही है वो, उसका ऑपोजिट होगा रॉन्ग यानी गलत। फिर नंबर सेवन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, बहुत ही फाइन लगता है वो, और उसका ऑपोजिट वर्ड होगा अगली, अगली यानी जो अच्छा नहीं लगता है वो, बुरा। फिर नंबर एट हॉट, हॉट यानी गरम, और उसका ऑपोजिट होता है कॉल्ड, कॉल्ड यानी ठंडा। ऑपोजिट यानी विरुद्धार्थी शब्द, हम ऐसा बोलते हैं विरुद्धार्थी वर्ड्स, उसका ऑपोजिट लिखना है, जैसे कि अप डाउन बिग स्मॉल वैसे। फिर नंबर नाइन रिच, रिच यानी बहुत ही पैसे वाला, और उसका ऑपोजिट होगा पुअर, पुअर यानी गरीब। फिर नंबर टेन फास्ट, फास्ट यानी बहुत ही फास्ट फास्ट जाता है झड़पी, और उसका ऑपोजिट है स्लो, स्लो यानी धीमा। नंबर इलेवन ड्राई, ड्राई यानी सूखा हुआ, और उसका ऑपोजिट होगा वेट, वेट यानी गीला। नंबर ट्वेल्व इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर की ओर, और उसका ऑपोजिट होगा आउटसाइड, आउटसाइड यानी बाहर। ओके आया समझ में? आपको ऑपोजिट वर्ड ये बार बार लर्न करना है। फिर है क्वेश्चन टू ए, उसमें आपको ब्लैंक्स दी गई होगी। देखो आपकी बुक में, इंग्लिश ग्रामर की बुक में यूनिट 32 में ब्लैंक दी है एक्सरसाइज में, वो ब्लैंक आपको लर्न करनी है लगातार। उसमें देखो इन, इन यानी अंदर, ये आप फोर वर्ड अच्छे से समझ लोगे और एक बार एक ब्लैंक्स आप रीड करके समझ लोगे तो फिर आपको अच्छे से आ जाएगा, आपको गोखने की ज़रूरत नहीं है। फिर है ऑन, ओ एन ऑन, ऑन यानी ऊपर। फिर है अंडर, अंडर यानी नीचे, और ये है नियर, नियर यानी पास में। इन यानी अंदर, ऑन यानी ऊपर, अंडर यानी नीचे, नियर यानी पास में, राइट? अभी देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन ऑन अंडर और नियर, उसमें आपको एग्जाम में एक साइड ऐसे ब्लैंक दी गई होगी और पास में उसका पिक्चर भी दिया गया होगा, तो उसमें से आपको देखना है, पिक्चर में देखकर जो आंसर आता है करेक्ट वो आपको लिखना है। देखो उसकी हम ब्लैंक्स अभी करते हैं, आपको आपकी वो इंग्लिश ग्रामर की बुक खुली ही रखनी है इसीलिए, क्योंकि उसमें आप पिक्चर देख सको इसीलिए। नंबर वन द काउ इज रेस्टिंग ब्लैंक द ट्री, तो देखो जो फर्स्ट वाला पिक्चर है उसमें ये जो गाय है वो पेड़ के नीचे रेस्ट कर रही है, राइट? तो नीचे आया ना, पेड़ के नीचे है, तो नीचे यानी क्या होता है? अंडर। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक में क्या लिखना है? अंडर। फिर सेकंड ब्लैंक द फ्लावर्स आर ब्लैंक द वाज, फ्लावर्स है वो वाज में, देखो वाज के अंदर है, राइट? तो अंदर यानी क्या हुआ? इन। तो यहाँ पे लिखना है इन। नंबर थ्री द मंकीज इज सिटिंग ब्लैंक द ट्री, तो देखो तो पिक्चर में थर्ड वाला पिक्चर मंकी जो है वो कहाँ पर बैठा है? पेड़ के ऊपर बैठा है, ऊपर ये हुआ ना, ऊपर वर्ड आया, तो ऊपर यानी क्या होता है? ऑन। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ऑन। नंबर फोर द गर्ल इज स्टैंडिंग
बाय द विंडो। देखो फाइव नंबर फाइव वाला पिक्चर देखो, सॉरी नंबर फोर वाला पिक्चर देखो। गर्ल जो है वो विंडो के पास में खड़ी है, तो पास में, तो पास यानी नियर, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नियर। फिर नंबर फाइव, द बुक्स आर ब्लैंक द वाज, तो देखो बुक्स जो है वो वाज के पास में है, तो पास यानी नियर, तो यहाँ पे लिखना है नियर। नंबर सिक्स, द बास्केट इज ब्लैंक द टेबल, देखो जो बास्केट है वो टेबल के ऊपर पड़ा है, तो ऊपर यानी ऑन, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑन। नंबर सेवन, द बर्ड इज ब्लैंक द नेस्ट, देखो बर्ड है वो नेस्ट यानी उसके माले के अंदर है, तो अंदर यानी इन, तो यहाँ पर लिखना है आपको इन। लास्ट ब्लैंक नंबर एट, द कैट इज ब्लैंक द टेबल, छोट केट है वो टेबल के नीचे है, तो नीचे यानी अंडर आएगा, अंडर द टेबल, ये टेबल के नीचे बैठी हुई है, राइट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन टू ए फिनिश कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन टू का बी देखो, उसमें यूनिट 33 देखो, वर्कर्स एंड देयर टूल्स, देखो चूज द करेक्ट नेम्स ऑफ टूल्स फ्रॉम द लिस्ट एंड राइट देम बिलो ईच पिक्चर। इसमें आपको देखो ऐसे पिक्चर दिया होगा एग्जाम में, यहाँ पे लिखा होगा कि जैसे कि डॉक्टर, तो डॉक्टर का टूल्स क्या होता है, डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं, वो आपको यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में से ढूंढ कर लिखना है। तो देखो हम इसका एक बार रिविज़न कर लेते हैं। फर्स्ट है डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं, सीरिंज, उसके पास सीरिंज होती है ना, सुई। फिर नंबर टू, कारपेंटर, तो कारपेंटर यूज़ करते हैं सो। फिर नंबर थ्री, फार्मर, फार्मर यानी जो खेडूत होता है वो खेती करने वाला, तो उसके पास क्या होता है, प्लाउ यानी हल, उसका टूल है प्लाउ। फिर नंबर फोर, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट यानी पेंटिंग करने वाला, राइट, तो उसका टूल क्या है, पेंट ब्रश, उसके पास क्या होता है, पेंटिंग ब्रश होता है। नंबर फाइव, स्वीपर, उसके पास क्या, उस स्वीपर यानी जो क्लीनिंग का वर्क करते हैं वो, तो उसके पास क्या होता है, ब्रूम, ब्रूम यानी झाड़ू। फिर नंबर सिक्स, लास्ट टेलर, टेलर यानी दर्जी, तो उसके पास क्या होता है, नीडल एंड थ्रेड, राइट, यानी सुई और धागा वो होता है दर्जी के पास। आपको लगातार बार बार रीड करके अच्छे से लर्न करना है। देखो फिर क्वेश्चन टू का बी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन थ्री का ए करेंगे, उसमें आपको देखना है यूनिट 36, उसमें आपको देखो क्या लिखा है, टू क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड इन द ब्रैकेट्स एंड पुट अ टिक मार्क राइट फॉर द राइट वर्ड। यहाँ पर आपको जो वाला आंसर सही है उसके ऊपर राइट करना है, और जो वाला गलत है उसके ऊपर आपको रॉन्ग करना है। इसके लिए आपको ये वाला अच्छे से लर्न कर देना है, तो ये वाला अच्छे से आपको आ जाएगा, तो फिर आपको ये सब एक्सरसाइज के ये सभी आएंगे, राइट। तो देखो हम करते हैं, फर्स्ट वाला है अ डॉग, तो डॉग क्या करता है, कौन सी आवाज़ निकालता है, कौन सा साउंड निकालता है, डॉग क्या करता है, बार्क्स, तो यहाँ पे बार्क्स क्या लिखा है, यहाँ पर, तो उसके ऊपर आपको ऐसे राइट करना है, और ये वाला रॉन्ग है तो उसके ऊपर रॉन्ग करना है, राइट, ऐसे आपको करना है। फिर है सेकंड वाला अ गोट, तो गोट क्या करती है, ब्लिट्स, गोट क्या करती है, ब्लिट्स, तो ब्लिट्स के ऊपर राइट, इसके ग्रंट्स के ऊपर रॉन्ग। नंबर थ्री अ डोंकी, तो डोंकी क्या करता है, ब्रेस, डोंकी क्या करता है, ब्रेस, ब्रेस के ऊपर राइट,
निक के ऊपर रॉन्ग। फिर नंबर फोर, ऑन एलिफेंट, तो एलिफेंट क्या करता है, ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स के ऊपर राइट, यहाँ पर रॉन्ग। जो वाला सही है उसके ऊपर आपको राइट कर देना है और जो वाला गलत है उसके ऊपर आपको रॉन्ग करना है, वेरी इजी। अ डॉग, सॉरी अ डक, तो डक क्या करता है, क्वैक्स, डॉग क्वैक्स, उसके ऊपर राइट, यहाँ पे रॉन्ग। नंबर सिक्स, अ केट, केट में क्या आएगा, म्यूज, केट म्यूज। नंबर सेवन, अ लायन, लायन क्या करता है, रोर्स, अ लायन रोर्स, रोर्स के ऊपर राइट ऐसे। अ काउ, क्या काउ क्या करती है, मूस, अ काउ मूस। लास्ट नंबर नाइन, अ हॉर्स, हॉर्स क्या करता है, निक। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, अ डॉग बार्क्स, अ गोट ब्लेड्स, अ डोंकी ब्रेस, ऑन एलिफेंट ट्रम्पेट्स, अ डॉग क्वैक्स, अ केट म्यूज, अ लायन रोर्स, अ काउ मूस, अ हॉर्स ब्लिट्स। फिर है क्वेश्चन 3A, हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 3B में कॉपी डाउन है, कॉपी डाउन यानी देख देख कर लिखना लिखना है, वो तो आपको अच्छे से आता ही है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। आपको सेंटेंस दिए होंगे कॉपी डाउन में, कोई भी सेंटेंस होगा तो वो आपको देख कर लिखना है, तो अच्छे से लिखना है। आपको ख्याल रखना है फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल ही होना चाहिए, फिर दो वर्ड्स है जैसे कि थ और बुक्स, तो उसके बीच में थोड़ी सी स्पेस भी रखनी है, सब कुछ मिक्स नहीं लिखना है। और यहाँ पर जो आप लेटर्स लिखते हो वो एक साथ में लिखना है, अलग अलग करके नहीं लिखना है, अच्छे राइटिंग से भी लिखना है। और लास्ट में जब सेंटेंस फिनिश होता है तो फुल स्टॉप भी करना है, वो भी आपको याद रखना है। जैसे आपको पेपर में दिया होगा वैसे का वैसा, सेम टू सेम, अच्छे राइटिंग से आपको कॉपी डाउन करना है, वो आपको 10 मार्क्स का होगा, राइट। यहाँ पर हमारा इंग्लिश ग्रामर का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको यूनिट 21, 23, 32, 33 एंड 36 ये वाला सब कुछ आ गया है इसमें, वो आपको अच्छे से लर्न करना है बच्चों। और आपको होमवर्क में ये सब, ये वाला पूरा आपको लिखना है और लिख कर नोटबुक में लिख कर लर्न करना है, ओके। यहाँ पर हमारा इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन आज कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट हम दूसरा सब्जेक्ट करेंगे, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।